हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। कपिल नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात फायरिंग की वारदात सामने आई है। इस घटना में एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। नागपुर शहर में गैंगवार का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार सोनू और बंदर और आरोपी शेख अमजद शेख शब्बीर, ये दोनों अवैध काम करते हैं। इसके चलते गुरुवार को सोनू ने मोमिनपुरा जाकर आरोपी को उसके एरिया में न आने की धमकी दे दी। इसी से गुस्साए आरोपी शेख अमजद शेख शब्बीर ने गुरुवार की रात अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ शहर के अशोक सम्राट चौक पर जा, वहाँ सोनू अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वह जाते ही आरोपी ने फायरिंग की और फायरिंग होते ही सोनू वहां से भाग गया, मगर उसका एक दोस्त आरोपी के साथ लग गया। आरोपी और उसके दोस्तों ने उस पर शस्त्रों से वार किए और फरार हो गए। थोड़ी देर बाद सोनू वहां पर पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जख्मी को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी अभी तक फरार है और पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कपिल नगर अधिक सम्राट अशोक चौक आहे। तिथे सकाळी 5 ते 5:30 दरम्यान घटना घडलेली आहे। इथला एक कामगार नगर मध्ये राहणारा सोनू आणि त्याचा मित्र शेख अमजद, जो न्यू माडा कॉलनीमध्ये राहतो, त्या दोघांना इथं 5 ते 6 जणांनी इनोवा गाडी होती असे म्हणतात, त्यांनी येऊन त्यांना अडवलं। त्यांची काही बाचाबाची आधी अगोदरपासूनच झालेली होती, त्यामुळे त्यातला तो सोनू पळून गेला। हा शेख अमजद सापडला तर त्याला तलवारीने आणि इतर दुसऱ्या हाताने त्याच्या डोक्यावर मारलेला आहे। त्याला उपचारासाठी पोलिसांना माहिती मिळाल्यावर पोलिसांनी त्याला उपचारासाठी मेयो हॉस्पिटलला नेले। प्राथमिक माहिती एवढी भेटलेली आहे आणि एक राऊंड पण सापडलेला आहे। पुढील तपास सुरू आहे। नाही, यांचा आता वादविवाद आज मोमिनपुरात झाला होता असं सोनू सांगतोय। आता नक्की आता पुढे तपासात माहिती। आरोपीचं नाव समोर आलं? आरोपीचं नाव एक अजून निश्चित माहित नाही, दोघी साईडचे काही आरोपी आहेत म्हणून माहित पडले। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।